everyone, welcome once again to my channel Krishna Singh Deo. So today we are meeting for class 11 students who are doing accounting equation chapter with me. So I hope aapne previous video dekh liya hai. Jaise maine bola tha, ye chota sa topic hai, yet very important topic because this will build your concept for the next chapter, the coming chapter and the most important chapter, journal entries. Chaliye, aaj hum dekhte hain kuch complex problem, how do we deal them in accounting equation, because normal transaction starting business with cash, normal transaction, purchasing goods on credit or purchasing good on cash, ये सब तो बच्चे deal कर लेते हैं, लेकिन कुछ problems जैसे कि outstanding expenses, prepaid वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं. So let's get started with this. We will do deal with this kind of expenses and incomes today. ठीक है, इनके साथ साथ ही मैं आपको इनका meaning भी बताते जाऊंगी. चलो, so effects of adjustments और these are called adjustments or transactions on accounting equation. मैंने थोड़ा हिला दिया अपने आपको so that you can understand, read it better. Okay, so first of all is outstanding expenses. सबसे पहले अगर आपको outstanding expenses का मतलब नहीं है तो समझिए outstanding expenses क्या होते हैं. Outstanding expenses means those kind of expenses which are to be paid, which are to be paid but not yet paid, which are to be paid but not yet paid, which are to be paid but not yet paid. मतलब क्या होता है? For example, हमने salary किसी worker की देनी है but we have not yet paid that salary to the worker. Okay, so then it is called outstanding expense. हमें rent pay करना था, let's say 31st of the month हमको rent pay करना था but हमने अभी pay नहीं किया है. So what is this? This is outstanding. So ऐसे सारे expenses जिनको pay करने की liability तो generate हो चुकी है but we have not yet paid are called outstanding expenses. So how do we deal with them? We deduct them from the capital. कोई भी expensive, एक simple rule है, कोई भी expense जो होता है हम capital में से deduct कर देते हैं. और अगर कोई भी income होती है, profit होता है, कोई commission received है, कोई discount received है, वो सब जाके हम capital में add कर देते हैं. So what are we going to do? यहाँ deduct from capital करेंगे. And दूसरा impact इसका क्या होगा? जो आपकी liabilities है वहां पर आपको एक separate column बनाना पड़ेगा और वहां पर add into liability करना पड़ेगा. हम outstanding expenses के नाम से एक सेपरेट कॉलम ओपन कर लेंगे. आई होप आपको ये समझ में आ गया है. नाउ चलते हैं दूसरे ट्रिकी प्रॉब्लम के ऊपर, वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस. नाउ व्हाट इज दिस प्रीपेड एक्सपेंसेस? सो लेट्स सी प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमें क्या करना होता है. प्रीपेड एक्सपेंसेस को वी गो एंड एड इनटू द एसेट्स. एसेट्स में कहाँ ऐड करेंगे? हम एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? जैसे कि कोई इंश्योरेंस प्रीमियम था, हमें नेक्स्ट ईयर पे करना था, हमने अभी कुछ पार्ट उसका अभी पे कर दिया. नेक्स्ट ईयर में जो थी ड्यू थी हमने अभी पे कर दिया, या फिर उसका कुछ पार्ट इस ईयर में है, नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पार्ट है. लेकिन ऑब्वियसली वी कैन नॉट पे इंश्योरेंस प्रीमियम इंटू टू सेपरेट पार्ट. हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक ही साथ पूरा ईयर का देना पड़ेगा. अब लेट्स से वो ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से, तो हम जुलाई में ही पेमेंट करेंगे, लेकिन जुलाई से अगले जुलाई तक या जून 30th तक हमको पेमेंट करना पड़ेगा. तो जुलाई से लेके मार्च तक का पीरियड, जुलाई से लेके 31st मार्च तक का पीरियड इस ईयर में फॉल कर रहा है एंड जुलाई के बाद वाला पीरियड मतलब अप्रैल मई एंड जून नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रहा है. तो सम पार्ट मतलब जो तीन महीने आगे वाले ईयर में फॉल कर रहे हैं, दैट फॉर दैट इट विल बी कॉल्ड प्रीपेड. तो प्रीपेड को आपको क्या करना है? एसेट में एक सेपरेट कॉलम बनाना है प्रीपेड, वहां पर इसे ऐड कर देना है और एसेट में ही जो आपका कैश है उसमें से इसको क्या कर लेना है? डिडक्ट कर लेना है. आई होप ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट पर जाते हैं. नेक्स्ट है अक्रूड इनकम. व्हाट इज अक्रूड इनकम? अक्रूड इनकम का मतलब समझिए. सबसे पहले अक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो कि जनरेट हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई है. जो कि जनरेट हो चुकी है मतलब रिसीव ना और रिसीव नहीं हुई है, मतलब कि मैंने किसी को सर्विस रेंडर कर दिया है या मैंने किसी को गुड सेल कर दिया है लेकिन उस पर्सन ने अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया है. दिस इज कॉल्ड अक्रूड इनकम. तो ये अक्रूड इनकम जो है उसको क्या करना है? अक्रूड इनकम को मुझे एड इन टू कैपिटल करना है बिकॉज मैंने तो सर्विस रेंडर कर दिए, उन्होंने अभी तक दिया नहीं है. मुझे कोई कमीशन रिसीव करना था, मुझे कोई डिस्काउंट रिसीव करना था, मुझे कोई रेंट रिसीव करना था, इस तरीके की कोई चीज, तो मैं इसे एड इन कैपिटल करूंगी जैसे कि नॉर्मल इनकम्स को हम लोग ऐड करते हैं. और एड इन एसेट्स करेंगे. एसेट्स में कहां? एसेट्स में क्या हम कैश में ऐड करते हैं? नो, वी डोंट हैव टू ऐड इन द कैश.
हमको क्या करना है, हमें एक सेपरेट कॉलम बना लेना है इस इनकम का, जिसे हम बोलेंगे अक्रूड इनकम। ठीक है, तो 1, 2, 3 हम लोगों ने तीन चीजों के साथ डील कर लिया अभी तक। सी देखो, यहाँ पे नंबर वन हमने किया था कि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि जो एक्सपेंस को पे करने की लाइबिलिटी हमने जनरेट कर ली है लेकिन अभी पे नहीं किया है, उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे और लाइबिलिटी में एक सेपरेट कॉलम बना देंगे। नंबर टू हमने देखा प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग डिडक्ट करेंगे एसेट्स में से, मतलब कि हम लोग माइनस करेंगे कैश में से, और एसेट साइड में ही एक और कॉलम बनाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम पे और वहां पर इसे लिख देंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का क्या करना है, अक्रूड इनकम को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, बिकॉज इनकम हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद करो, इनकम हमारी जनरेट हो चुकी है तो हम इसे ऐड इनटू कैपिटल करेंगे और हम एसेट्स में भी ऐड करेंगे क्योंकि हमने अक्रूड इनकम का एक सेपरेट कॉलम बनाना है। गोइंग टू द लास्ट वन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अर्नड इनकम, मतलब कि कोई कमीशन आपको एडवांस में रिसीव हो गया है या फिर आपको कोई इनकम हो गई है एडवांस में विच यू शुड हैव रिसीव्ड आफ्टर सम पीरियड, ओके, लेकिन आपको एडवांस में रिसीव हो गई, तो आपने अभी तक इसके लिए सर्विस रेंडर नहीं करी है लेकिन ये इनकम आपको रिसीव हो चुकी है, तो क्या करना है, कैश तो आ चुका है तो कैश में ऐड कर लेंगे, मतलब एसेट साइड में कैश में ऐड कर लेंगे, और दूसरा आप इसे लाइबिलिटी साइड में एक सेपरेट कॉलम बना करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी जनरेट हो चुकी है आपकी, आपने अभी तक सर्विस रेंडर नहीं करी है लेकिन यू हैव received the amount for it. In that case, what are you going to do? You are going to add it into the liabilities. So I hope आपको ये सारे के सारे adjustments समझ में आ गए हैं और you are happy like this student over here. Okay? So मेरे को ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर भी मैं आपके साथ आने वाले क्लास में एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें ये सारे के सारे एडजस्टमेंट होंगे उसको सॉल्व करूंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे, जहां पर टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए नहीं पूछा जाता है लेकिन कुछ और अधिक तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपको क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट वगैरह निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ये सब रिवाइज करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर एंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।